में लॉकडाउन लगा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इस दौरान एक वीडियो दिल्ली से सामने आ रही जहां पर रमजान शुरू होने पर कोरोना लॉकडाउन के बीच दिल्ली के चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार में लोगों की भीड़ नजर आई। दिल्ली से आई इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि इन लोगों को न तो लॉकडाउन की कोई फिक्र है और न ही कोरोना का कोई डर। बाजार में पहले की तरह लोगों की आवाजाही है और लोग बड़े आराम से घरों से बाहर निकलकर आना जाना कर रहे हैं। चांदनी चौक के लाल कुआं बाजार की ये तस्वीर पुलिस पर भी सवाल खड़े कर सकती। एक तरफ दिल्ली पुलिस ये दावे कर रही है कि राजधानी में अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही। एक तरफ तो कोरोना को रोकने के लिए पूरी दिल्ली लॉकडाउन, राजधानी के कई इलाके पूरी तरह से सील हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बाजार में लोग आराम से घूम रहे हैं, जो दिल्ली के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की तुलना में दिल्ली तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर दिल्ली। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।